हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। यहाँ ईद का दूसरा दिन है और हम बच्चों को लेके कॉर्निश साइड पे चले गए थे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सी फ्रेश एयर में लेके जाना था, बच्चों को झूले लेने थे। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था माशाल्लाह। कॉर्निश से फारिग होने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया। हमने सोचा कि चलो आज इसे ट्राई किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जब जैसे सुना कि यहाँ पे आज कढ़ी पकौड़ा बना हुआ है, तो मैंने कहा कि मुझे तो कढ़ी पकौड़ा खाना है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोगों ने कोई भी सालन नहीं खाया था। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ी पकौड़ा मंगवाया था और हम लोगों ने चपली कबाब मंगवाया था, और चपली कबाब के साथ चिकन की ग्रेवी आई थी। खाना माशाल्लाह बहुत मज़े का था, हम लोगों ने बहुत फुल होकर माशाल्लाह खाना खाया। ये अगले दिन की वीडियो है। यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैं फ्रूट्स दे रही हूँ, तो आज ये वाटरमेलन रखा हुआ था, मैं आज बच्चों को ये काट के दूंगी। आज मैं निहारी बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे निहारी की तैयारी शुरू कर ली है। सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कुकर में देसी घी डाल लिया है, क्योंकि मैं निहारी ज़्यादातर देसी घी में ही बनाती हूँ, तो इसमें देसी घी भी है और ऑयल भी शामिल कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैं इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक डाल लूँगी, और बस मैंने इसके अंदर अब बीफ डाल दिया है। बीफ की अच्छे से भुनाई कर लूँगी पहले। मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए हैं, मैं प्याज को निकाल लूँगी। और ये मैंने निहारी के मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे सब प्लेट में डाल के, तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है, क्योंकि इसमें जो दालचीनी है या जो कड़ी पात है, ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो जाना चाहिए। मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, और इसके जो प्याज था वो भी मैंने ग्राइंड करके, बिल्कुल फाइन ग्राइंड करके मैंने वो भी डाल दिए हैं। इसी के अंदर मैं पानी डाल के और इसके अंदर डाल दूंगी, और इसकी थोड़ी सी भुनाई करके और मैं इसके अंदर पानी डाल के जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं कुकर लगा लूंगी। यहाँ पे थोड़े दिनों पहले मैंने जो खुबस मंगवाए थे चरखे के साथ में, वो खुबस बचे हुए थे, तो मैंने इनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है क्यूब्स में, और अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्यूब होते हैं, खुबस होते हैं, जो कि बच जाते हैं हमेशा, तो वो ज़ाया जाते थे। तो इस बार मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, और आप यकीन करें कि ये किसी भी निम्को या लेज वगैरह से ज़्यादा मज़े के लगे हैं। बच्चों ने इतने शौक से खाए हैं, और ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सारे बच गए थे, और ये अभी रात तक ही बिल्कुल थोड़े से रह गए, क्योंकि बच्चों ने माशाल्लाह आज में ही ख़त्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको टिशू पर फैला लिया था, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ मैं बच्चों को डाल के दूँगी, इस पर मैं सिर्फ नमक डाल दूंगी। तो ये किसी भी निमको से ज़्यादा अच्छा था, या किसी भी लेज़ वगैरह से ज़्यादा अच्छे लगे थे बच्चों को। मैंने इसको 8-8 जार में डाल के रख दिया था जो बाकी बचे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कल तक मज़ीद बचेंगे। यहाँ पे
मेरी निहारी तैयार हो गई थी, मैंने इसका नमक मिर्च वगैरह चेक कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें आटा डाल दिया है। मैं आटा भून के नहीं डालती, मैं बस ऐसे ही डाल लेती हूँ और माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी बन जाती है। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कितना रिक्वायर्ड है आटा, और क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में करके डालें बजाय इसके कि एकदम से निहारी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डालूँगी और फिर मैं बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। आज की वीडियो में आपको अलीज़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अलीज़ा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि ये निहारी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे बार बार स्टोव ऑफ करके अलीज़ा को देखने के लिए जाना पड़ता था या उसे गोदी लेना पड़ता था। यहाँ पे बस माविया को आज मैंने दोबारा पढ़ाने के लिए बिठाया था, 3-4 दिन उसकी छुट्टियाँ हो गई हैं, काफ़ी इंजॉय कर लिया उसने। देखिए यहाँ पे निहारी जितना रिक्वायर्ड थी मुझे उतनी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आँच पर रख दूँगी कि इस पर ऑयल आ जाएगा। देखिए हल्की आंच पे रखने की वजह से कितनी मज़े की तरी आ गई है, और निहारी का सारा मज़ा इस तरी का होता है, और वो भी जबकि वो देसी घी की हो तो। कैसे जाने ठीक बने? ठीक बने, स्पाइसी है? मावी, मेरे बेटे को अच्छा लगा? नहीं। बहुत मजे का। लीमू डाल जरा सारा। यहाँ पे रात को हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे, हम लोग काफ़ी देर तक ड्राइव करते रहे थे बस ऐसे ही, और हम लोग बातें कर रहे थे। रास्ते में सोचा था कि चाय वगैरह पी जाए, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि गाड़ी को कहीं भी रोका जाए, मुझे लॉन्ग ड्राइव का इतना मज़ा आ रहा था। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। आप लोग भी अपनी छुट्टियाँ इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।